बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग राम के नाम पर सोशल मीडिया में एक फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में छतरपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दरअसल हाल ही में छतरपुर के कई सोशल अकाउंट्स से एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें 3 लड़के एक लड़की के साथ डांस करते हुए आपत्तिजनक स्थिति में नजर आते हैं। इस वीडियो में दिख रहा एक लड़का बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के तौर पर बताया गया और इस वीडियो में कैप्शन पर लिखकर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बागेश्वर धाम के सेवादार निशांत नायक ने छतरपुर की बमीठा थाने में इसकी शिकायत की। इस शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इस वीडियो को वायरल करने वालों की तलाश की जा रही है। छतरपुर के एडिशनल SP विक्रम सिंह ने बताया कि फिलहाल बमीठा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन लोगों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने इस वीडियो को गलत दृष्टिकोण से वायरल किया है। कल ये वीडियो कुछ वायरल हुआ था और जिसमें फरियादी जो हैं निशान नायक, इन्होंने आके FIR रजिस्टर्ड कराई है कि हमारी भावनाओं को इससे ठेस पहुंची है। गंभीर मैटर था और इसमें हमने इमीडिएट FIR रजिस्टर्ड कर लिया है, जो BNS की नई सेक्शन 353 के तहत, और इसमें URL नंबर और हमें मिल गया है। हमारी साइबर टीम अलग से लगी हुई है। कुछ लोग जो फॉरवर्ड किए थे उनको हम बुला करके उनसे राउंड अप करके पूछताछ कर रहे हैं और इसको हम जल्दी ओपन करें। इसमें अभी ये क्लियर नहीं हो पाया, शायद उनके ब्रदर के नाम से वीडियो वायरल किया गया था और बताया गया था कि उसमें आपत्तिजनक चीज़ें थी, जिसको लेकर के हमने विधि सम्मत कार्रवाई करी। सर आवेदक करता कौन है? आवेदक जो कंप्लेनेंट है इसमें वह निशान नायक हैं, जो कि वहीं के रहने वाले हैं बागेश्वर धाम के। किसी की पहचान नहीं आ रही अभी, बहुत क्लियर नहीं है। हमने URL नंबर से इसमें डिटेल ले रहे हैं साइबर से, और ग्रुप में कुछ लोग जो शेयर किए थे उनसे भी कुछ सस्पेक्ट को अभी हम लोगों ने अभी रक्षा मिली है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जैसे साक्ष्य आएंगे और जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे।